नौ साल से तो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, तो एक भी घोटाला नेहरू परिवार का या कांग्रेस पार्टी का क्यों नहीं उजागर किए? सरकार तो नौ साल से है, अंतिम चरण में चल रहे हैं, दसवां साल में प्रवेश कर गए, क्यों नहीं उजागर किए? क्योंकि ये झूठे हैं। ऐसे झूठे प्रधानमंत्री से देश की जनता कर्नाटका और हिमाचल जैसे निपटेगी? ये राहुल गांधी की जन आवाज है, राहुल गांधी की जनता के बीच के रहने वाले व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी जी जैसे ढोंगी नहीं, और जेल जाने से राहुल गांधी घबराने वाले नहीं हैं। कभी दबेगा क्या भाजपा? अंग्रेज से आवाज़ें नहीं दबाई, भाजपा से नरेंद्र मोदी से आवाज़ दबेगा। राहुल गांधी जी जेल से डरने वाले हैं, उनके नाना परनाना नेहरू जी 8.5 साल जेल में रहे। मोदी के नाना जेल में रहे क्या? मोदी के परनाना जेल में रहे क्या? मोदी के दादा जेल में रहे क्या? मोदी के परदादा जेल में रहे क्या? छोड़िए इतनी बात, मोदी जी के पिताजी भी जेल में गए आज़ादी की लड़ाई में, नहीं गई, वो अंग्रेज़ों के पिछलगु थे, तेजू अंग्रेज के पिछलगु थे, अंग्रेज़ के पिट्ठू थे, अंग्रेज के मुखबिरी करते थे। ऐसे व्यक्ति से राहुल गांधी को तुलना करना बहुत दूर की बात है। हम लोग गांधी भक्त हैं, वो वोट से भक्त हैं, हमेशा गांधी भक्त की जीत हुई है। राहुल गांधी के याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। राजेश राठौर जी, याचिका जो है गुजरात के हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, क्या? गुजरात हाईकोर्ट का फैसला अंतिम फैसला नहीं है, अनव अंतिम दरवाजा है। न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खुला हुआ है और हम सब वहाँ जाएंगे, श्री राहुल गांधी जी वहाँ जाएंगे। क्योंकि सबको पता है कि राहुल गांधी जी को गुजरात सरकार ने किस प्रकार से फंसाया है। मोदी सरनेम का जो मामला था वो गुजरात को मामला तो था नहीं, था दूसरे राज्यों का मामला, लेकिन केस कहाँ होता है? गुजरात में। केस करने वाले व्यक्ति कौन है? एक मोदी नाम का व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता है, शायद पता चला है कि एमएलए भी हैं, और वो खुद मुकदमा करते हैं और खुद अपने मुकदमा पे स्टे लेते हैं। आज जब श्री राहुल गांधी जी ने श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप बताइए कि अडानी से आपके रिश्ते क्या हैं, 20,000 करोड़ का बेनामी इन्वेस्टमेंट जो है अडानी ग्रुप में है वो किसका है, अडानी जी के साथ आप किन किन देशों के यात्रा किए हैं, अडानी जी के साथ यात्रा के दौरान और उसके बाद उनको कौन कौन सा प्रोजेक्ट किन किन देशों में मिला है, आप जब उनके साथ थे शुरुआती 14 से पहले उनके पास कितनी संपत्ति थी, आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी संपत्ति कितनी बढ़ी, जब ये सवाल राहुल गांधी जी ने पूछना शुरू किया तो इसी आवाज़ को दबाने के लिए वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो खुद की याचिका पर रोक लगाए थे वह पुनः केस को खुलवाते हैं और एक महीना के अंदर से राहुल गांधी जी की सजा होती है निचली अदालत से, सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखते हैं। राजेश राठौर जी, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के जो पैसे हैं उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो उनका धन बल है या फिर बात कर ले घोटाले की बात वो कर रहे थे कुछ दिन पहले, कह रहे थे कि राहुल गांधी जो हैं कई घोटाले किए हैं, कांग्रेस पार्टी ने कई घोटाला किया है, तो दिन बयान है। 9 साल से तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो एक भी घोटाला नेहरू परिवार का या कांग्रेस पार्टी का क्यों नहीं उजागर किए? 2014 से पहले जो घोटाले हुए थे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में भी अगर हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने ही उसको उजागर किया था, लेकिन इनकी सरकार तो 9 साल से है, अंतिम चरण में चल रहे हैं, 10वां साल में प्रवेश कर गए, क्यों नहीं उजागर किए? क्योंकि ये झूठे हैं। 9 साल पहले वो जो देश से वादा किया था, कोई एक वादा किया है, पूरा किया क्या? तो ऐसे झूठे प्रधानमंत्री से देश की जनता कर्नाटका और हिमाचल जैसे निपटेगी कि एक देश के आवाम के आवाज़ उठाने वाले श्री राहुल गांधी जी, किसानों के आवाज़ उठाने वाले श्री राहुल गांधी जी। आज ने देखा होगा कि हिमाचल जा रहे थे, बीच में उन्होंने धान की खेती की, ट्रैक्टर चलाया धान रोपने की, ते राहुल गांधी की जन आवाज़ है, राहुल गांधी की जनता के बीच के रहने वाले व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी जी जैसे ढोंगी नहीं, और जेल जाने से राहुल गांधी घबराने वाले नहीं हैं। दबाने की कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ, कभी दबेगा क्या भाजपा? अंग्रेज से आवाज़ें नहीं दबाई, भाजपा से नरेंद्र मोदी से आवाज़ दबेगा। राहुल गांधी जी जेल से डरने वाले हैं, उनके नाना परनाना नेहरू जी 8.5 साल जेल में रहे, मोदी के नाना जेल में रहे क्या?
मोदी के परनाना जेल में रहे क्या, मोदी के दादा जेल में रहे क्या, मोदी के परदादा जेल में रहे क्या, छोड़ दीजिए इतनी बात, मोदी जी के पिताजी भी जेल में गए आज़ादी की लड़ाई में, नहीं गए, वो अंग्रेजों के पिछलगु थे, वो अंग्रेज के पिछलगु थे, अंग्रेज के पिट्ठू थे, अंग्रेज के मुखबिरी करते थे। ऐसे व्यक्ति से राहुल गांधी को तुलना करना बहुत दूर की बात है। हम लोग गांधी भक्त हैं और वो गोडसे भक्त हैं, हमेशा गांधी भक्त की जीत हुई है। अंतिम सवाल रहेगा, विपक्षी एकता की बैठक को लेकर चाय पार्टी नाश्ता पार्टी बता रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कोई बैठक सफल नहीं होने वाला है, बस चाय और नाश्ता करेंगे लोग और बैठ के आ जाएंगे। तब छाती का है पीट रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो अकेले कर्नाटका में हरा दिया, जब सभी लोग एक हो जाएंगे तो कहीं जमानत बचेगा क्या? 2024 के इंतजार कीजिए, 2024 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए 2024 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी की याचिका खारिज हुई है, इसको लेकर राजेश राठौड़ ने साफ कह दिया है कि हम गांधीवादी लोग हैं और भाजपा वाले लोग गोडसेवादी लोग हैं, हम गांधी की बात करते हैं, गोडसे की बात करते हैं, आने वाले 24 में सुफरा साफ कर देंगे भाजपा का। क्या कुछ कहे थे राजेश राठौड़ गुजरात हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने को लेकर आपने सुना है, तो वहीं विपक्षी एकता को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।